सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये पूरे तरीके से मैं समझ रहा था और मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि सरकार तत्कालीन ये बिना किसी कारण के केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाकर सेंसस डेटा मांग रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड आयोग ने तैयार किया हुआ इंपेरिकल डेटा बोल रही है। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है, हमारी सरकार अगर आती है, तो 4 महीने में हम लोग ये आरक्षण बहाल करेंगे। ये बहुत सोच समझ कर मैंने कहा था और आज वो हो रहा है। इस समय श्रेयवाद की जो लड़ाई चल रही है लगातार अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे अपोजिशन की सरकार ने सारा काम किया। देखिए, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर श्रेय लेना चाहते हैं तो फिर ये जो 13 दिसंबर 2019 को उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और 2 साल सरकार उस पर बैठी रही और उस बीच जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, महानगर पालिका के चुनाव हुए, सारे चुनाव बगैर आरक्षण के हुए, इसका पाप किसका है? इस पाप के भागीदारी कौन है? ये किसके कारण पाप लगा है? तो विपक्ष इस पाप को भी पहले स्वीकारे, उसके बाद श्रेय लेने की कोशिश करे। हमको श्रेय नहीं चाहिए, हमने कहा था 4 महीने में करेंगे, हमने करके दिखाया। सर, की 40% आरक्षण अपेक्षित होतं, मात्र ते अपॉर्च्युनिटीजने मिळालेलं आहे आणि SC/ST 10% असं करून 50% होतं, पण तसं नाही मिळालं। मला असं वाटतं की भुजबळ साहेबांना नीट माहिती आहे, यापूर्वीही 27% आरक्षण होतं आणि आताही 27% मिळालं आहे आणि 27% ते मिळेल या संदर्भातला निर्णय त्यांच्या सरकारमध्येच झालेला आहे, तो आमच्या सरकारने केलेला नाही आहे, त्यांच्या सरकारनेच तो निर्णय केलेला आहे। ट्रिपल टेस्टचा तो एक भाग होता, सर्वपक्षीय मीटिंगमध्ये त्यांनी स्वतः विषय मांडला होता की SC/ST आरक्षण सोडून 50%च्या आत जेवढं आरक्षण वाचेल ते OBC मिळेल, त्यामुळे काही ठिकाणी ते 27% आहे, काही ठिकाणी 25% आहे, काही ठिकाणी 22% आहे, हे त्यांच्याच सरकारच्या काळात झालेलं आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की आता अशा प्रकारे त्या संदर्भात बोलून माझ्याजवळ सगळंच सत्य आहे, मी मांडित